फ्रेंड्स, दिस इज सिरिल और मैं फिर से हाजिर हूँ अपने फ्रेंड और अपने बड़ी ब्लू के साथ। सो फ्रेंड्स, टुडे आज हम एक नए टाइप का वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम एक बेसिक चीज के बारे में कवर करेंगे जो है डॉग्स को नहलाना और उनके स्किन का ख्याल रखना। सो सबसे बेसिक एक मिथ है कि हमें डॉग्स को ट्वाइस अ वीक नहलाना चाहिए, थ्राइस अ वीक नहलाना चाहिए, हफ्ते में एक बार नहलाना चाहिए, महीने में एक बार नहलाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये ऐसा क्यों है। क्योंकि जो डॉग्स का स्किन होता है वो अल्टीमेट सेंसिटिव होता है, और स्पेशली जब हम एक पपी के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट इज अल्ट्रा 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 सेंसिटिव। तो एक ही चीज का हमें ध्यान रखना है कि महीने में सिर्फ एक बार नहलाना है, एंड दैट इज विद वार्म वाटर। And the best part is that a breed like Labrador, जिसको hair fall की problem सबसे ज़्यादा होती है, हमें क्या करना है? एक छोटी सी चीज़ जो किसी भी घर में किसी भी अवस्था में अवेलेबल हो जाती है, दही। हमें क्या करना है? 10 spoons of दही, 10 spoon दही का हमें गर्म पानी में मिला देना है और हमें उस पानी से उसको नहलाना है। Of course, you can use remedies like Himalayan shampoo, which is very good for lice and ticks. तो आज हम आपको दिखाएंगे हम ब्लू को कैसे नहला रहे हैं और उसके टैक्टिक्स क्या हैं, और एक डॉग को हम हैप्पीली कैसे नहला सकते हैं। बिकॉज़ देयर फ्रेंड्स, यू नो, डॉग्स डज नॉट वांट टू बे, दे जस्ट वांट टू प्ले, ईट एंड शिट। सो चेक इट आउट। सो फ्रेंड्स, ही इज आवर रॉक स्टार। हे गाइस, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट With this warm water, I said, इस पानी को मैंने पहले ही थोड़े से दही से मिक्स करके तैयार करके रख लिया था। आप लोग देखिए मैं इसको कैसे नहलाता हूँ। The process will be little bit lengthy, but then it will be informative. आपका जो डॉग है आप उसके ऊपर प्लीज ऐसे ही करिए, क्योंकि ये एक बेजुबान जानवर है। But then जब आपकी फैमिली से जुड़ता है, आपकी लाइफ से जुड़ता है, it becomes an important aspect of your life. Let's start. Hey Blue, we are just playing. So ये हल्का warm water है। आप बिल्कुल ध्यान रखिए जब भी आप अपने puppy को, अपने dog को नहलाते हैं, it should be just like a newborn baby. यानी कि हमें इनका बहुत ख्याल रखना है, तो इनको हमें ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं नहलाना है। और आप दो बार शैम्पू कीजिए जिससे कि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। And yeah, After this bath, I'm going to share a couple of interesting more facts which will help you out to change the mindset whenever we are just bathing our dog. So, ये शैम्पू जो है, मैं किसी कंपनी को एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ। ये हिमालय का शैम्पू है। दिस इज द बेस्ट आयुर्वेदिक शैम्पू विच आई फील अबाउट। देखिए एक बारी एक ब्लू देखिए नहा रहे हैं। हम इसको थोड़ा सा झाग बना देंगे, हल्के 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 हल्के, ताकि डॉग को ये मोनोटनस ना लगे बल्कि वो इस चीज को एंजॉय करे। ऑल्दो एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस फैक्ट कि नो डॉग वांट टू बेथ एट ऑल। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि हम आपको बता दें कि हम डॉग को जो नहला रहे हैं, पानी हमेशा अल्कली फ्री पानी होना चाहिए। अल्कली फ्री होने से क्या होता है, स्किन अच्छी रहती है, बालों की ग्रोथ बढ़िया रहती है। स्पेशली हमारे जो डॉग ब्रीड्स हैं जैसे कि लैब्राडोर, इनको बहुत ज़्यादा केयर की जरूरत पड़ती है। ये जा रहा है, देखो ये बहुत बदमाश भी है, बदमाशी तो बिल्कुल करनी है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो। और इम्पॉर्टेंट चीज़ नहलाते वक्त ये भी है कि हमें इसके पैरों को अच्छे से धोना है, क्योंकि दीज आर द प्लेसेस वेयर लाइज एंड टिक्स ऑलवेज हाइड अराउंड। और इनके कान हो गए, कानों का ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये हमें हमेशा क्लीन करना है। दिस इज माय Getting handsome, guys. Today is going to be rocking. Then, and yes, एक और मिथ होता है कि नहलाने के बाद हमें डॉग को
ह्यूमंस की तरह टॉवल से साफ करना होता है। दैट इज अ रॉन्ग फैक्टर, क्योंकि जब आप टॉवल से एक डॉग को पोंछते हैं सीधा उसके बालों को आप डैमेज करते हैं। तो आप जब भी नहलाएं अपने डॉग को, नहलाने के बाद लेट हिम बी हिमसेल्फ, और वो डॉग के अंदर जो नेचुरल फेनोमेना है वो उसे ऑटोमेटिकली सुखाने में हेल्प करता है। हम इसका फर्स्ट फ्रेज कवर कर चुके हैं। नाउ हम इसको एक बार वॉश आउट करेंगे, सो दैट वी कैन मेक दिस चैप सर्व। एंड या एंड वन मोर थिंग गाइस, आई वांट टू शेयर, ये इसका फर्स्ट बात नहीं है। इन द पास्ट व्हाट आई यूज्ड टू डू इज दैट, हम लोग जैसे बाथरूम में नहलाते हैं खुद नहाते हैं वैसे मैं इसको नहलाता था। बट देन मैंने कुछ रिसर्च किया इसके ऊपर एंड आई गॉट टू नो दैट हमें कभी भी डॉग को ऐसी जगह नहीं नहलाना चाहिए जो बंद हो, क्योंकि नहलाने के बाद इनको भागना होता है, चलना होता है और अपने आप को सुखाना होता है। एज आई सेड, ये गलती मैंने भी करी है जब मैं फर्स्ट टाइम इसको नहला रहा था। देखिए कैसे बेबी की तरह बैठ गया है। इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट ब्रीड, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। सारी गंदगी निकल रही है इस शैतान बच्चे के शरीर से। और आपको इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखनी है नहलाते टाइम, कहीं भी आपको लाइस मिले, टिक्स मिले, किसी भी टाइप के पैरासाइट्स मिले, आप उनको क्लीन करते जाइए ताकि हमारे डॉगों को अच्छा सा कंफर्टेबल फील हो। वी आर ऑलमोस्ट डन गाइस, सो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दही के पानी से हमने इसको नहला दिया है। Gonna rock, gonna rock like a rock star. Almost done. ये देखिए, ये देखिए, thunder showers. सी, अभी देखिए कितना खुश हो रहा है, कितना एक्साइटेड है अब ये। अभी जस्ट वांट टू प्ले। सो यूजुअली दिस इज अ बेसिक फैक्टर, लाइक व्हेनेवर अ डॉग इज बेड एंड वो सुपर एक्टिव हो जाता है, वो खेलना चाहता है, वो अपने आप को सुखाना चाहता है। एंड दिस इज द मिथ विच आई वॉन्ट टू कैरी आउट एवरी टाइम, बिकॉज वेन एवर आपका कुत्ता नहाता है आप ये चाहते हैं कि वो जल्दी सूख जाए, बट दैट इज ट्रूली रॉन्ग। हमें उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नेचुरली वो खुद ही अपने आप को सुखा सकता है। देखिए हाउ मच ही इज प्लेइंग राइट नाउ, यूजुअली दे बिकम सुपर एक्टिव। इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करने वाला about their habits, about their skin, and how we can take care of that. So number one, nehlane ke baad jab aapka dog baith jata hai, aap usse kuch bhi thanda khane ko mat dijiye. Kuch bhi warm de sakte hain aap, jaise ki aap dal ka pani de sakte hain, chicken ka soup hai to aap soup de sakte hain, mutton ka soup hai to aap wo de sakte hain, soya chunks ko aap garam karke de sakte hain. And kai dogs mein problem hoti hai ki wo pani nahi peete. Like this is a big problem with flu. So, आप क्या कर सकते हो, आप क्यूकम्बर होता है, क्यूकम्बर को आप काटिए, खीरा, खीरे को आप काटिए, छोटे छोटे पीसेस काटिए जैसे कि वो चबा सके, या फिर आप गाजर ले सकते हैं, आप इनको काट के छोटे छोटे आप इनको एज अ क्रंची स्नैक आप इनको दे सकते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज दैट कोई भी शैम्पू मत यूज कीजिए। आप डोंट गो बाय माई वीडियो, डोंट गो बाय एनीवन, जस्ट सर्च इट आउट ऑन इंटरनेट। आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, अपने वेटरन को बोलिए कि वो आपको अच्छा वाला शैम्पू कंसल्ट करेंगे, तो आप उसी ही शैम्पू को इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, हिमालय इज द बेस्ट शैम्पू विच आई फील अबाउट। मुझे ऐसा लगता है कि ये इकलौता ऐसा शैम्पू है जो सल्फेट फ्री है, सबसे पहली बात तो ये स्किन को बहुत अच्छे से ये क्लीन करता है और लाइस इनटेक से उनको बचाता है। फ्रेंड्स, मैं किसी ब्रांड को एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, बट दिस इज माई पर्सनल थॉट प्रोसेस अबाउट दिस प्रोडक्ट। नाउ अगर हम देखें
सबसे इम्पोर्टेंट एक और एस्पेक्ट है, नहलाने के बाद हम चाहते हैं कि डॉग फटाफट सूख जाए और वापस अपने नॉर्मल मोड पे आ जाए। ऐसा नहीं होता। सो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। पहले आपने पानी तैयार किया, जैसे कि मैंने आपको बताया दही वाला, आपने पनीर पानी तैयार किया, आपने उसको नहलाया, फिर आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट आप जिसको नहला रहे हैं वहाँ पे अगर थोड़ी सी धूप है, लाइक यू गाइस कैन सी राइट नाउ, मैं अपने छत पे हूँ अभी, हमारे छत पे अच्छी खासी धूप आ रही है, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प हिम आउट। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जैसे कि हमें छोटे बच्चे को पालते हैं, हम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। तो हर एक चीज में, खाना, नहलाना, सुलाना, हर चीज। सुलाने के ऊपर मैं एक और वीडियो करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसके लिए क्या क्या अरेंजमेंट कर रखे हैं और हमें क्या क्या करने चाहिए। आई एम श्योर कि जो मैंने एस्पेक्ट्स जो मैंने अडॉप्ट करे हैं वो अभी काफ़ी नहीं है, बट देन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए और अच्छा बेड लेके आ सकें ताकि ये और कंफर्टेबल हो, क्योंकि आप उसे जितना खुश रखेंगे उतना ही वो एक हेल्दी और हैप्पी डॉग साबित होगा। एंड ऑफकोर्स हर कोई चाहता है कि उसके डॉग को हर कोई प्यार करे। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, आप पैनिक बिल्कुल मत। यूजली लोग अपना होप खो देते हैं जब लोग देखते हैं कि उसके बाल झड़ रहे हैं, या वो उसका स्किन प्रॉपर चमक नहीं दे रहा है, या फिर उसका स्किन डल हो रहा है, या उसे इचिंग हो रही है, या रैशेस पड़ रहे हैं। दीज आर नेचुरल फिनोमेना। हमें भी तो खुजली होती है भाइयों। हम क्या करते हैं, हम दवाइयाँ लेते हैं और अपने मम्मी पापा से पूछते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो आप पैनिक मत हो, थोड़ा सा रिसर्च करो, हमारे वीडियो को देखते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे चैप्स।